हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और ये रात भर सोए नहीं थे दर्द के मारे, किडनी में दर्द हो रहा था। और जैसे जैसे समय नज़दीक होते जा रहा है वैसे वैसे दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। बहुत कोशिश की मैंने कि रात को उनको आराम लगे, कोई आराम नहीं था। अभी बाबू को नहला दिया है, सॉरी नहलाया नहीं है, मुंह हाथ धुलाया है क्योंकि अभी मौसम खराब था। और बाबू बाहर जाने को होता है ना, इस वजह से गेट लगा दी हूँ। अभी इनको उठाऊंगी, अभी करीब 12 बज रहा है, इनको उठाऊंगी, उसके मुँह हाथ धुलाऊंगी। देखिए चावल बनाया था आज तो चावल पूरा नीचे गिर गया, और ये बर्तन वगैरह धुले थे मैंने, बर्तन धुले, किचन साफ कर दी और पोछा एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ क्योंकि रूम बहुत बड़े हैं, इसलिए कल लगा दिया था आज नहीं लगाऊंगी। फैमिली तो सीधे ये शाम का वक्त है, और इनका क्योंकि कल मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि रात को सो भी नहीं पाए थे, तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई, सुबह भी नींद पूरी नहीं हुई। और डॉक्टर ने मतलब बीपी की गोली बंद करवा दी, एक तो जो हैवी वाली डोज की गोली थी जो अभी चालू की थी ना, आप लोग से शेयर की थी, तो अभी फिर से इनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो सर बहुत दुख रहा था और सूजन भी बहुत है चेहरे में, आपको भी दिख रही होगी चेहरे में, जबकि पानी भी कम पिए, चावल वगैरह भी कुछ नहीं खाए, पानी वाली कोई चीज़ भी नहीं थी, तो फिर भी सर दुख रहा है। मैंने पान दिया था और तो इनका एक तरफ सर भी दबा रही हूँ, और कल ये एडमिट हो जाएंगे सुबह, मतलब तो कल सुबह जल्दी उठ के एडमिट भी करना है इनको, भर्ती हो जाएंगे मतलब, फिर सीधे वहाँ से ट्रांसप्लांट के बाद ही छुट्टी मिलेगी। और कल 16 तारीख है, सच में समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 दिन बस बाकी है हमारे ट्रांसप्लांट को। घबराहट तो नहीं हो रही है क्योंकि हिम्मत है, बस सोच के लगता है ना थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये आम सर्जरी नहीं है, बहुत बड़ी है। क्योंकि देखिए मैं अपना एक किडनी दान कर रही हूँ, किडनी डोनेट कर रही हूँ सॉरी, तो बहुत बड़ी कहला जाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं ऐसे ऐसे ही आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। और कल सुबह पता नहीं, शायद अगर मुझे इनके पास रुकने मिलेगा तो वहाँ से अपडेट देती रहूँगी, और वहाँ पे एक रूम में रखा जाएगा, वो कल ही डॉक्टर बताएंगे। कल सुबह मंडे है, कल बताएंगे। और कुछ दवाइयाँ और भी बंद कर दी हैं इनकी, सर मतलब और भी हैं 2-3 प्रकार की दवाइयाँ, तो उनको बोला कि नहीं खाना। टीवी की दवाइयाँ 2 बंद हो गई हैं और कुछ चालू है। तो चलो ठीक है, कल से मुझे सेविंग बनाने के लिए गए हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत डर भी लग रहा है कल है, कैसे हिम्मत रहेगी मुझे समझ में नहीं आता सच में, देवी है। और ये कपड़े बगरा देते हैं ना अंदर ऐसे करके, हम कुछ सूखे होते हैं, तो देखिए किडनी डोनेट तो मुझे ही करनी है, जो मेरा दर्द है, जो भी तकलीफ मुझे होगी मुझे ही सहन करना होगा, और यही हिम्मत रखनी होगी मुझे। और सच में जब वो वाला मंजर सोचती भी हूँ ना तो बहुत डर लगता है, और एक तरफ से हिम्मत भी है पर डर ये लगता है ना कि अभी उम्र नहीं थी, अभी छोटी इतनी कम उम्र में, इस उम्र में तो शायद लड़कियों की शादी भी नहीं होती, और मैंने इतना बड़ा फैसला
वहाँ की जो नर्स वगैरह थी, जब डायलिसिस में गई थी ना मैं, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप मतलब उनको पता है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट है, बट वहाँ की नर्स को नहीं पता था डायलिसिस वाली कि किडनी डोनर कौन है। मैंने जब उनको बताया कि मैं हूँ तो वो बोलती तुम दोगी? मैंने बोला हाँ। बोले तुम तो खुद इतनी वीक रखी हुई हो, इतनी कमज़ोर हो। तो फिर वो बोलती हैं, मतलब वो ही मुझे हिम्मत देने लगी, बोलती हाँ मतलब कि तुम इतना बड़ा फैसला लिया है, तुमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। फिर हो गया वेरी गुड भी बोला उन्होंने, बोला कि बहुत अच्छा, मतलब तुम उनके साथ स्थिति में खड़ी हो, सपोर्ट कर रही हो। तो मतलब देखिए, मतलब हमारा नेचर भी अच्छा होना चाहिए उनका भी, क्योंकि देखिए अब हम वहीं रहेंगे। इस तरीके से बात कर रही थी, वही मुझे याद आ गया आज। तो आप समझ सकते हैं ये जो डर है, डर तो निकाल लूँगी खैर, और अब पूरी कोशिश करूँगी खुश रहने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हमारी सर्जरी हो तो मैं कोई नर्वस होके दुखी होके ये करूँ, क्योंकि देखिए मुझे मेरे हस्बैंड को नई ज़िंदगी देनी है, और इसमें आपका ही बहुत बड़ा सहयोग था, मेरा भी है, पहले आपका है बाद में मेरा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट ही, हंसी खुशी हो, और उसके बाद फिर मैं जो मैंने मेरे ब्लॉग, मैं भी यही चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों से ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ब्लॉग शेयर करूँ, तो जो हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली इतनी है, तो मैं चाहूँगी कि आपको हंसी खुशी हमारी फैमिली दिखे, और क्योंकि अभी हमें बहुत सारा सब कुछ देखना है, और मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करूँगी। तो क्योंकि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, तो मैं चाहती हूँ हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हंसी खुशी से शुरुआत हो, ये दुख से ना हो। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी आज से, अभी से, कि अब मैं बिल्कुल कुछ भी ऐसा नर्वस नहीं होंगी, इमोशनल नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होंगी। आपके सामने मैं अच्छे से क्या कहना, ट्रांसप्लांट सर्जरी के आज 16 हो, समझ लो कल जब ये ब्लॉग जाएगा 16 17 18 2 दिन बाकी है। सच में बहुत डर लग रहा, डर ये लग रहा है। बाकी तो आप लोग इतना सपोर्ट कर ही रहे हो, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूज़ हैं जो, तो कई लोगों के साथ उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो वो हिम्मत देते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे अच्छा भी लगता है, पर थोड़ा सा क्योंकि है ही घबराने वाली बात है ना। पर अब नहीं डरूंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। चलिए ठीक है, अब मेरा ब्लॉग आएगा सीधे हॉस्पिटल से, 10 15 20 दिन जितना भी ये रूम, शायद ही रूम में कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी वहाँ पे रूम वगैरह है जहाँ पे उनको एडमिट करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, हॉस्पिटल की वीडियो में। अब हमें शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद ज़रूर करिएगा, आपकी छोटी सी मदद मेरे पति को नई ज़िंदगी दे सकती है। बाय बाय।